टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11 ऑफ चैप्टर 11 इनइक्वालिटी। फ्रॉम सेलिना कंसाइज फॉर क्लास 9 फॉर आईसीएसई। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट 5 सम्स हैव वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर। Arrange the sides of triangle BOC in descending order of their length. D A C B E. ये वाला एंगल 106 की बने यहां से यहां से O point is there. This angle is 137. हमने किस किस को लिखना है बच्चे? Arrange the side of triangle BOC. BO, BC and CO. BO, BC and CO को ascending order में लिखना है. ये इसके bisector है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है. मैं इसको XX ले लूं बेटा, थोड़ा इजी रहेगा हमें. BO इज द bisector ऑफ एंगल ABC ना. CO is the bisector of this angle. इसको y let कर लो, इसको y. तो प्रूफ में हम पहले let करेंगे. Let angle ABO is equal to angle CBO is equal to H and angle ACO. ये हमें given थे ना, ये angle इसके equal था, ये angle इसके equal. Bisector का meaning यही हुआ ना. Yes, sir. इसको y ले लिया, इसको क्या ले लिया y. अब इन तीनों का सम 106 प्लस x प्लस x इज 180. क्या ले लिया हमने? 180. रीजन क्या आएगा अनिका? सर लीनियर पेयर. तू थ्री शूज पहनती है अनिका? नो सर. अनिका फिर तू पेयर ऑफ शूज पहनती है तो थ्री हुए ना फिर तो, क्योंकि ये थ्री एंगल है. तूने पेयर बोला है, पेयर का मीनिंग थ्री होता है ना अनिका? नो सर, ये टू होता सर, है. टू होता है. फिर यहाँ पे कितने एंगल हैं? एक लाइन पे थ्री एंगल है. तो यार सीजन लीनियर पेयर नहीं लिखना. क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. यस. 2x इज इक्वल टू ये साइड आके माइनस होगा, कितना रह जाएगा? 74 रह जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37. ये एंगल 37 आ गया. सेम वे ये एंगल बच्चे लीनियर पेयर से आ जाएगा, क्योंकि हमने y फाइंड करना है ना. तो y के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो. एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस ए बी सी. नाउ एंगल डी ए बी एक्सटीरियर लगा दो, ज्यादा इजी रहेगा. फिर ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है. एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी. रीजन ऐसे, रीजन जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ये पूरा प्रॉपरली लिखना है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल डी ए बी 137 है. ए बी सी 2x लिख दूं मैं एक बार, क्योंकि x के बाद में वैल्यू फिल कर देंगे. फिर ए सी बी को क्या लिख सकते हैं? 2y. 137 टू इंटू 37 प्लस 2y. 137 74 प्लस 2y. 74 इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2y. 7 माइनस 4 3. यहां पे क्या बच गया? 12 माइनस 53. 2 कहां चला गया? नीचे 26.5. ये वाला एंगल 26.5 आ गया. अब इस छोटी ट्रायंगल में हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं बीओसी अनिका?
यस सर। जैसे सर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल ओसीबी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओबीसी 37 है, एक्सक्यूज मी सर, बीओसी। हाँ जी बेटा। सर हमने 137 माइनस 74 किया है सर, यहाँ पे फिर 63/2 आएगा। गलती हो गई। हाँ जी गलती हो गई, माइनस कर दी। 31.5 आएगा इज इक्वल टू 180। एंगल बीओसी 180, इन दोनों को ऐड किया 8, माइनस हो जाएगा उससे जाके 8 336, 68.5। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 121। अब तीनों एंगल्स को ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला है एंगल ओसीबी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर एंगल बीओसी सर 111 होगा। एक मिनट, 10 में से 9 में से 8 गए, अच्छा हाँ सॉरी 111 का, ठीक है। अब एंगल ओसीबी स्मॉलर है एंगल ओबीसी से, और ओबीसी किससे स्मॉलर है? एंगल बीओसी से। ये लिख दिए बच्चे तीनों एंगल असेंडिंग ऑर्डर में। अब ओसीबी के सामने कौन सी साइड है? ओबी। ओबीसी के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट ओसी, एंड बीओसी के अपोजिट बीसी। यहां रीजन क्या आएगा अन्नी का? जल्दी बोलो। ग्रेटर, ग्रेटर साइड, पहले एंगल से साइड बनी है ना, तो पहले यस ग्रेटर सर, एंगल बोलेंगे। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। देखो एंगल से साइड बन रही है ना, तो ग्रेटर एंगल से शुरू कर दो लाइन। बोल फिर से। सर ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। बस यही हो गया, यही हमने असाइनिंग ऑर्डर में करनी थी इनकी साइड्स। समझ गए बच्चे? यस सर, अर्पण समझ आ? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज ग्रेटर देन एसी। ये बना लिया बेटा, ए बी सी। एडी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। बीसी पे मैंने कोई पॉइंट डी ले लिया। गिवन क्या है हमें? एडी ग्रेटर देन एसी, बस। और टू प्रूफ क्या करना है हमने? वी हैव टू प्रूफ ए बी इज ग्रेटर देन एसी। क्या करें? व्हाट वी कैन डू? देखो सबसे पहले एडी ग्रेटर देन एसी दिया है ना, इसको उठाओ। एडी एंड एसी कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं अर्पण? एसीबी। इन ट्रायंगल एसी, देखो जिस ट्रायंगल की साइड्स हैं ना, वो ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है, इन ट्रायंगल एसीबी। एडी इज ग्रेटर देन एसी। अब एडी के अपोजिट कौन सा एंगल है बच्चे? एंगल सी। एंगल सी। एसी के अपोजिट एंगल डी। डी तो ए वाला भी है। एंगल एडीसी। हाँ अकेला डी बोला ना आगे से, तो हिसाब लगा लेना अपना, ठीक है? या रीजन क्या आएगा?
ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैव ग्रेटर एंगल्स अपोजिट टू, यस, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल ग्रेटर अपोजिट. एंगल. इसको इक्वेशन वन ले लो. ले लिया. नाउ इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना अर्पण, जहां दो टिक लगाती उस ट्रायंगल में. ए बी डी ट्रायंगल में एंगल ए डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल. लिख दो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल. तो एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा. एंगल बी बी ए डी बी ए डी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर ऑफ ट्राइंगल. अब एंगल ए बी डी को अगर मैंने बी के साथ कंपेयर करना हो, अकेला बी के साथ, तो क्या लिखूंगा मैं? ग्रेटर सिंबल आ जाएगा ना. यस सर. रीजन क्या लिखेंगे यहां पे? बताओ अर्पण, व्हाट इज द रीजन? अनिका सर, वन पार्ट इज स्मॉलर देन द होल, होल पार्ट इज होल स्मॉलर इज, हाँ होल इज स्मॉलर. होल No, इज sir. ग्रेटर Whole देन अ is पार्ट. greater than a part. ठीक है अर्पण, Yes, sir. समझ आ गया? इसको ले लो सेकंड. अब मैं सिंपल सा एक चीज बताता हूँ मुझे आपको. ये देखो, एंगल सी एंगल एडीसी से ग्रेटर है, मतलब चलो 180 से ग्रेटर है, ये लगा लेते. 80-50 से ग्रेटर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 150 से भी तो ग्रेटर होगा ना. यस सर. बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये नहीं करने की जरूरत, ये समझाने के लिए किया था. फ्रॉम इक्वेशंस इन इक्वेशन, नॉट इक्वेशन इन इक्वेशंस है ये. फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल सी इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल बी. अब एंगल सी एंड एंगल बी कौन सी ट्रायंगल के एंगल है अपन? एंगल एसी. बोलो बेटा, ट्रायंगल ट्रायंगल एसी. एबीसी. सी के अपोजिट कौन सी साइड है? सी के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चे? एडी. ये दोनों एंगल कौन सी ट्रायंगल के हैं? एंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी. तो फिर तू साइड एडीसी की कैसे ले लेगी अर्पण? नहीं ले सकते ना. हाँ ये चीज ध्यान में रखनी है. देखो सी के अपोजिट एडी भी है, एबी भी है, बट यहाँ पे जो दो एंगल हैं वो कौन सी ट्रायंगल के हैं? साइड भी उसी ट्रायंगल की होगी. अंडरस्टूड? एंगल यस. सी के अपोजिट एबी, बी के अपोजिट एसी. एसी, एबी ग्रेटर देन एसी. या रीजन क्या आएगा? रीजन अर्पण, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ग्रेटर, ट्रायंगल ग्रेटर साइड्स ऑपोजिट टू इट. हाँ लिख लोगे यस हो सर. जाएगा. ये हमारा सेकंड सम. थोड़ा सा ना ये चैप्टर रट्टाफिकेशन वाला है, मतलब प्रैक्टिस चाहता है ये चैप्टर. ये नहीं है कि हमें सीधा आ जाएगा, एक दो बार सम सॉल्व करोगे तभी आएंगे ये अच्छी तरह से. ठीक है अनिका अर्पण. यस सर. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. अनिका, इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर दी हुई है हमें,
यहाँ पे परपेंडिकुलर है। गिवन क्या है हमें, एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल हमें 60 दिया हुआ है। एंगल बी ए सी इज गिवन 60 डिग्री। दूसरा एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 65। प्रूव दैट पहला पार्ट सी एफ, यही सी एफ, सी एफ को ग्रेटर प्रूव करना है ए एफ से। दूसरा डी सी, डी सी कहां है, ये रही, ग्रेटर देन डी एफ, मतलब पहले ये ट्रायंगल जहां मैंने टिक लगा दी, इस ट्रायंगल के दो एंगल सी एफ, ये वाला एंगल हमें ग्रेटर प्रूफ करना होगा ए एफ के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस एंगल से, मतलब ये दो एंगल मुझे चाहिए। हाउ वी कैन फाइंड, मैं डॉट लगा देता हूं, ये दोनों एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम, बताइए बच्चे। सर जो 60 होगा वो हाफ नहीं होगा, बाइसेक्टर दिया हुआ है। नो सर। फिर बच्चे हम, मैंने तुझे सिंपल सी एक फंडा बता दिया, तेरे को ये भी नहीं कह रहा कि ये प्रूफ करो, मुझे ये बता दे कि ये दो एंगल फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड कर दे और इसकी वैल्यू फाइंड कर दे, सिंपल सा सम बता दिया। अगर तूने ये फाइंड कर लिए दोनों तो हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। बताओ अनिका क्या करें। देखो एबीसी में दोनों एंगल पता है अनिका, यस सर, ये कंप्लीट एंगल फाइंड हो जाएगा। यस सर, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार दूं, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 65 प्लस 60। समझ आ गया कैसे किया ये? यस सर। अर्पण समझ आया बच्चे कैसे लिखा मैंने ये चीज? यस सर। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये फाइंड करना है, इन दोनों का सम उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। एंगल सम आपने पूरा प्रॉपर करना है, ऐसे शॉर्टकट नहीं मारना, आपने पूरा लिखना है, ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी प्लस एबीसी प्लस एसीबी, फिर उसकी वैल्यूज फिल करनी है, फिर उसके बाद उस साइड लेके जानी है, ठीक है? यस सर। 125, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 55, ये पूरा एंगल आ गया 55। आज मुझे ये बता, इस ट्रायंगल में हम ये एंगल नहीं फाइंड कर सकते? ये 90 पता है, यस सर, ये 90 पता है, ठीक है, ये पता है, ये फाइंड हो जाएगा ना? यस सर। प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कौन सी ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये चीज लिखते नहीं है और इस चीज के बाद में पछताते हैं कि क्यों नहीं लिखा। एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी ए सी 180, सेम रीजन आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए डी सी 90 है, डी सी ए 55 हमने फाइंड किया है, ए सी बी या ए सी डी या डी सी ए, दैट इज द सेम थिंग ना, एंगल वही बन रहा है, यस सर, 55 प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180। एंगल डी ए सी इन दोनों का सम 145 बन गया, yes, इस साइड आके क्या हो गया, माइनस हो गया, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, ये एंगल आ गया 35। अब ये कैसे फाइंड करें अनिका? सर ट्राइंगल बीईसी, बीईसी कैसे, बीईसी ये कर लेना, ये फाइंड करना है जब, तो एईसी में ले लेना बच्चे, ये 60 पता है, ये 90 पता है, ये सीधा आ जाएगा ना, तो कहां बाद में माइनस करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल एईसी मैं सीधा लिख रहा हूं इसमें भी, 180 माइनस एंगल ईएसी
प्लस एईसी, मतलब ऐसे ब्रैकेट में 60 प्लस 90, एंगल एसीई कितना आ जाएगा 180 माइनस 150, वी गेट 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल में बेटा ये 35 ग्रेटर है ना 30 से, नाउ यहां मेंशन कर देना कौन सी ट्रायंगल ए एफ सी है, अब नहीं तो साइड कोई और ही ले लोगे आप। दो एंगल, ये दो एंगल कौन सी ट्रायंगल के हैं, ए एफ सी के। एफ ए सी एंगल ग्रेटर है एंगल ए सी एफ से, क्योंकि ये 35 था ये 30 था ना, ग्रेटर हो गया ना। एफ ए सी के अपोजिट कौन सी साइड है सर, सी एफ। यस, एंड ए सी एफ के अपोजिट सर ए एफ। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट। अब डीसी एंड ए, ये क्या लिख दिया मैंने, डीसी एंड डीएफ, ये छोटी सी ट्रायंगल के जहां अब टिक लगाई मैंने, डीएस एंड डीएफ। देखो पूरा एंगल कितना है 55, ये एंगल आ जाएगा 55 yes, में से ऊपर वाला एंगल 30 माइनस करके 25 आ जाए, ये 90 है ये 25 है, ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे। यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी से अर्पण हो जाएगा। यस सर। फिर इन दोनों का कंपैरिजन कर देना जैसे इसमें किया है, ठीक है, कर लोगे okay. इसके बाद यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग फिगर्स ए बी डी, यहां पे सी है, ये पूरा एंगल हमें 110 दिया हुआ है, ये एंगल हमें 74 दिया है, यहां दोनों पे कट लगा हुआ है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। मैं सीधा बस गिवन अपने आप लिख लेना, मैं टू प्रूव लिख रहा हूं बेटा, हमने प्रूव करना है बी सी ग्रेटर सी डी से, बी सी को सी डी से ग्रेटर प्रूव करना है। हाउ वी कैन डू इट, सबसे पहले ये दो साइड इक्वल है ना अर्पण, यस सर। कौन सी ट्रायंगल की ये दो साइड्स हैं, ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल डी, एंगल डी। सी डी के अपोजिट एंगल सी डी। हाँ अगर ए बोला तो हिसाब लगा लेना अपना, ठीक है। Isosceles triangle property. Let angle D is equal to CAD is equal to X लेने हम, ये X ले लिया, ये X ले लिया, ले लिया। Now इस triangle में जहां टिक लगा दी मैंने, ये exterior angle है ना बेटा, side produce हो रही है, तो angle ACB किसके equal होगा 74 degree, वो तो दिया हुआ है बच्चे, so, और किसके इक्वल होगा, सो एंगल सी ए प्लस एंगल डी। हाँ रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लोगे अपने आप, इसको भी एक्स लेट किया है, ये भी एक, क्योंकि इक्वल प्रूव किए थे मैंने, 2x इज इक्वल टू 74, एक्स इज इक्वल टू 74 बाय 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई, ये इतना का एंगल भी 37 आ गया, ये एंगल भी 37 आ गया। अब ये एंगल भी फाइंड कर लो 106, चाहे लीनियर से कर लो चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो, लीनियर से कर लें यस सर। नाउ एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी,
इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब एंगल ए सी बी 74 है, एंगल ए सी डी हमने फाइंड करना है इज 180, एंगल ए सी डी 180 माइनस 74, एंगल ए सी डी बिकम्स इक्वल टू 106. अब देखो ये और ये साइड ए सी, क्योंकि हमें बी सी इक्वल टू सी डी करना है ना, तो एक काम करते हैं, ये दो एंगल ले लेते एक सी डी के साथ, या ये भी कर सकते हैं ये करना है तो, ये तो इक्वली है ना दोनों साइड्स, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, कोई भी कर लो, क्या करना है इन दोनों को ले लेते हैं, एंगल ए सी डी एंड एंगल सी ए डी. नाउ एंगल ए सी डी ग्रेटर है बेटा एंगल सी ए डी से, यस और नो? यस सर. क्योंकि ये 106 आया, ये 37 था. एंगल ए सी डी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए डी है ना, ए डी. सी ए डी के अपोजिट सी डी, ए डी इज ग्रेटर देन सी डी, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, लिख लोगे ना? यस सर. इसके बाद आ जाओ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, पूरा 110 है, ये 37 फाइंड किया था, ये एंगल फाइंड हो जाएगा. यस सर. नाउ एंगल बी ए सी इज, मैं सीधा 110 माइनस 37 लिख दूं बेटा, यस सर 73 डिग्री, 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 73 डिग्री. अब ये वाला एंगल भी फाइंड कर लो, चाहे एक्सटीरियर लगा लो चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो. मैं सीधा कर रहा हूं बच्चे, 180 माइनस 73 प्लस 74, समझे ये कैसे आया एंगल एबीसी? अनिका पता चल गया ना? यस सर. अनिका जी यस सर. 4 3 7 7 7 14, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 4 3, 33 आ गया. अब इन दोनों एंगल को कंपेयर कर दो, इसको और इसको कर दी, मैं यहां पे कर देता हूं थोड़ी सी स्पेस पे. हाँ जी, एंगल ए बी ए सी ग्रेटर है एंगल ए बी सी से, बी ए सी के अपोजिट कौन सी साइड है अर्पण? बी सी. ए बी सी के अपोजिट ए सी. ए सी, बट ए सी किसके इक्वल था? एसी किसके इक्वल था बेटा? एसी सीडी के इक्वल दिया हुआ था ना, गड़बड़ हो गई कुछ बात बनी नहीं, हमें चाहिए बीसी एंड सीडी का रिलेशन. हाँ हो गया, बस यही करना था, फिर इसकी तो जरूरत ही नहीं थी एडी ग्रेटर देन सीडी की, तो वो तो डायरेक्ट भी निकल सकता था ना एंगल फाइंड. हाँ वही कह रहा हूँ, ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, फिर इतना पार्ट जो हमने किया था ना, यस सर, नो नीड. एक्स निकाला, ये आ गया, फिर इन दोनों ये एंगल फाइंड किया, इससे मेरे एसी को सीडी, यही प्रूव करना था हमने. यहाँ पे मतलब लिख देंगे साथ में कि एसी इज इक्वल टू सीडी गिवन, ओके ये चीज करने की जरूरत नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 10,
फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट, हमें फिगर गिवन है. अन्निका यस सर. ए बी डी सी, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है एडी, बस और कुछ नहीं दिया. टू प्रूव करना है ए बी ग्रेटर देन एडी बी डी. सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है ए सी ग्रेटर देन सी डी. थर्ड पार्ट प्रूफ करना है ए बी प्लस ए सी, वो तो हो ही जाएगा बी डी और सी डी इन दोनों को ऐड करके. थर्ड पार्ट तो इजी है. पहले दो पार्ट में हम क्या करें, ए बी को बी डी से ग्रेटर कैसे प्रूफ करें, हाउ वी कैन प्रूव ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, ए सी इज ग्रेटर देन सी डी. बोलो सर, एडी प्लस एबी इज नहीं बेटा, ग्रेटर देन एबी. नो नहीं बच्चे, और कोई तरीका सर? एंगल ए डी भी 90 है, तो सर बाकी एंगल्स 90 से छोटे होंगे. हाँ बिल्कुल सही. हम कैसे लिखेंगे वो देखो बेटा, इंटर एंगल ए बी सी ए बी डी, मैंने एंगल 1 और 2 मार्क कर दिए, प्लस एंगल ए डी बी इज 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो एंगल 1 प्लस 2 और ये एंगल 90 था, उस साइड जाके 90 हो जाएगा, यस सर. माइनस हो गया तो 90 आ जाएगा ना. यस सर. तो बट एंगल ए डी बी इज आल्सो 90, यहां पे क्या हो गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी बी आ गया. इन दोनों से, इन दोनों का सम भी 90 है, ये भी 90 है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया ना. अगर मैं, हमें चाहिए क्या, ए बी एंड बी डी चाहिए, ठीक है. एंगल ए डी बी ग्रेटर देन एंगल 1 होगा, मगर मैं 1 के साथ कंपेयर करूं एंगल ए डी बी को, तो वही सेम चीज, होल इज ग्रेटर देन देना पार्ट, स्मॉलर कैसे कर दिया तूने, ग्रेटर देना पार्ट. हाँ अब 1 के अपोजिट कौन सी साइड है सर? बी डी. बी डी. एंगल ए डी बी के अपोजिट ए बी. ए बी, ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करना है, वो मैं सिमिलरली लिख देता हूँ, ठीक है बेटा. सी डी स्मॉलर देन ए सी. अर्पण कर लोगे ना ये सी डी लेस देन ए सी, यस सर. एड कर दो दोनों को. एडिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, बी डी प्लस सी डी लेस देन ए बी प्लस ए सी ना, बी डी प्लस सी डी बी सी लेस देन ए बी प्लस ए सी, मतलब इसको उल्टा करके लिखना, ये इस साइड लिखेंगे तो ये इसका मुंह भी दूसरी तरफ हो जाएगा, मतलब जो चीज चाहिए वो बन जाएगी, समझे? समझ आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 10? यस सर. सर लास्ट पार्ट में एक डाउट है. बोलो बेटा. कुछ नहीं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, स्मॉलर में स्मॉलर पार्ट ऐड किया, ग्रेटर में ग्रेटर पार्ट ऐड किया, तो होल रिजल्ट इज आल्सो ग्रेटर हो जाएगा ना, यही सिंबल रहेगा. यस सर. बस सर यहाँ पे बीसी आएगा, बीडी प्लस सीडी. तो बीसी लिखा है बेटा, यस सर. मैंने कौन सा ऐसी लिखा है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जैसी मर्जी फिगर बना लो, टेडी मेडी जैसी मर्जी, ए बी सी डी। टू प्रूव, पहला पार्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन डी ए। चलो थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है मैंने, क्योंकि दो पार्ट और लिखनी है मैंने जो प्रूव में। हाँ जी अर्पण, करवा सकती हो मुझे? हिंट मैंने पहले ही दे दिया एसी को ज्वाइन करके। इन ट्रायंगल एबीसी एबी प्लस बीसी किससे ग्रेटर होगा अर्पण? सीडी। एबी प्लस बीसी, एबीसी ट्रायंगल में सीडी कहां से आ गया? एबीसी ट्रायंगल ये है ना, तो सीडी कहां से आ गया? हाँ, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है बेटा? यस सर। फर्स्ट, उसके बाद आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एसीडी। अब मेरे पास एसी एक्स्ट्रा है, एसी यहां पे क्या था, राइट साइड में था, अब मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा सीडी प्लस एसी, किससे ग्रेटर? डीए। डीए, सेम रीजन मैं यहां पे डू लिख रहा हूं, मतलब चाहे इकट्ठा ही लिख देना दोनों का रीजन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए सी प्लस डी ए। इक्वल अमाउंट है दोनों की, ए सी ए सी है, कट जाएंगे, जो हमारे को आंसर चाहिए वो आ गया। अब दूसरा पार्ट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन टू ए सी, बहुत इजी है। इन दोनों का सम ए सी से ग्रेटर, इन दोनों का सम ए सी से ग्रेटर, ऐड कर दो, यू गेट द आंसर। कर लोगे अपने आप? ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर? ए सी से। ए डी प्लस सी डी किससे ग्रेटर? ए सी से। दोनों को ऐड करो, यू गेट दिस वन। थर्ड पार्ट भी इजी है, सेम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए किससे ग्रेटर प्रूव करना है? टू बी डी से, और बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बस ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल ले लेना ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी, दूसरी ट्रायंगल ये वाली ले लेना बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, एड कर देना एंड गेट द आंसर। समझ गए? यस सर। यस सर। अपने आप करोगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12। इन द फॉलोइंग फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पी इज एनी पॉइंट ऑन एसी, एसी पे कोई पॉइंट पी है, प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है हमने? पहला पार्ट बीपी ग्रेटर देन पीए प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट बीपी ग्रेटर देन पीसी प्रूफ करना है। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है, बीपी एंड पीए ये बच्चे, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, बहुत इजी है।
देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एबीसी, अर्पण यस और नो सर, बोलो दोनों, एच 60 डिग्री। 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। अब ए को ए रहने दो, एबीसी को 1+2 लिख सकते हैं, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल 1 हो जाएगा ना, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, लिख लोगे रीजन यहाँ पे। यस अब ए के अपोजिट कौन सी साइड है, बीपी। बी 1 के अपोजिट एपी एपी या पीए, क्योंकि यहाँ पीए था तो पीए लिख दो। रीजन क्या आएगा, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड ग्रेटर अपोजिट। इसके बाद आ जाओ बीपी एंड सीपी, बीपी के सामने ये वाला एंगल है, सीपी के सामने ये 2, वही सेम एंगल सी एंगल एबीसी के इक्वल, एंगल सी एंगल 2 से ग्रेटर आ जाएगा, जैसे ये पार्ट किया यस कर लोगे ना। सर। क्वेश्चन नंबर 13, इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, मैंने यहां ले लिया पी पॉइंट, कहीं भी यहां पे भी ले सकते हैं, यहां यहां कहीं मर्जी ले लो। पी इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट एंगल बीपीसी इज ग्रेटर देन एंगल बीएसी। क्या करें इसमें, व्हाट वी कैन डू, इस एंगल को इस एंगल से ग्रेटर प्रूव करना है। बोलो बच्चे कैसे प्रूफ करेंगे, बोलो अनिका हाउ वी कैन प्रूव इट। बहुत इजी है, ज्वाइन एपी एंड प्रोड्यूस, ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2, ये एंगल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 मार्क कर दिया, ठीक है निका। यस सर। इसको 5 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है ना, सर। बी ए पी ट्रायंगल में एंगल बी पी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल बी पी डी किसके इक्वल, एंगल 3+ एंगल 5 के ना, यस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल बी पी डी क्या, बी पी डी कितना है, 1 है। 1 अगर 3 से कंपेयर करना हो अकेला बी पी डी को 3 से, तो 1 3 से ग्रेटर बिल्कुल। हो जाएगा ना, होल इज यस ग्रेटर देन ना पार्ट, लिख लोगे ना। सेम वे एंगल 2 किसके इक्वल, 4+6 के, 4+6। 3 लाइनें लिखनी है लिख देना क्योंकि ज्यादा लाइन लाइंस नहीं है, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, मैंने सिमिलरली लिख दिया कि टाइम मेरा तो थोड़ा सेव हो जाए, इसी मेथड से जैसे ये लिखा है वैसे 3 लाइनें लिख देना बेटा, ऐड कर दो, वी गेट द आंसर एंगल 1+2 ग्रेटर देन 3+4, व्हाट इज 1+2 एंगल बीपीसी, ठीक है निका, थ्री यस सर। प्लस फोर एंगल बी ए सी। अर्पण समझ बीएस। आ गया, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ए बी सी गिवन क्या है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स
ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एनी पॉइंट ऑन द बेस, कहीं पे भी ले लिया मैंने, यहां ले लिया डी पॉइंट बेस पे, इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द इक्वल साइड्स। टू प्रूफ क्या करना है, ए डी स्मॉलर देन ए बी और ए डी स्मॉलर देन ए सी। समझ गए बच्चे? यस सर। देखो ये वाला एंगल, मैं सीधा शॉर्टकट कर दूं, एंगल थ्री एंगल वन से ग्रेटर कर लोगे बेटा? यस सर। प्रूव कर लो। यस सर। अनिका यस सर। थ्री वन प्लस टू के इक्वल थ्री वन से ग्रेटर, बट एंगल टू एंगल फोर के इक्वल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये क्या कर दिया मैंने, थ्री ग्रेटर देन वन नहीं करना था यार, टू कर दो, टू चाहिए मुझे, ठीक है, थ्री ग्रेटर देन टू करेंगे, वन नहीं करेंगे, और टू के प्लेस पे फोर लिख देंगे, देयर फोर थ्री एंगल है जो ग्रेटर हो गया फोर से। थ्री और फोर इस ट्रायंगल में है ना, थ्री के अपोजिट कौन सी साइड, ए बी, फोर के अपोजिट कौन सी साइड, ए डी हो गया, मतलब ए डी स्मॉलर हो गया ए बी से, सिमिलर ये, समझ गए? ए बी की जगह ए सी लिख देना, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है, दूसरा पार्ट भी हो जाएगा, और ही लिखा है वैसे तो। लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी, यहां पे सी, यहां से एक लाइन है ई, यहां से एक लाइन है डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है। गिवन क्या है, एक तो ए डी ए बी के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, दूसरा ए ई बाइसेक्ट एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, ये दो चीजें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट बी ई को डी के इक्वल करना है, बी ये रहा, डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, मैंने डॉट लगा दिए, चाहिए इसका यूज कर लो, ठीक है। इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये अगर मैं ये दोनों एंगल इक्वल कर दूं तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे ना, यस और नो? यस। हाउ वी कैन प्रूव इट, कैसे करें? चलो दूसरा पार्ट भी मैं लिख देता हूं, एंगल ए बी डी ग्रेटर देन एंगल सी, बी को डी के इक्वल कैसे प्रूफ करें, बता सकते हैं बच्चे? अर्पण अनिका, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन हो गया, ठीक है, एंगल कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्रायंगल सर, ए बी ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी, ए डी ए बी की ए बी साइड इसकी ए डी साइड के इक्वल गिवन है, एंगल वन एंगल टू के इक्वल गिवन है, इन दोनों का इकट्ठा रीजन लिख दिया मैंने गिवन, ए क्या हो गया कॉमन हो गई, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गई, ए बी ई।
हाँ जी, तो यहाँ पे ई कैसे ले सकते हैं सर? क्यों? ये ट्रायंगल लिया ना बेटा मैंने, यहाँ ये पे देखो। ए भी एडी दिया हुआ है ना, हाँ फिर मैंने ये ट्रायंगल लिया ना बेटा, ये देख, मैं दोनों ट्रायंगल्स तेरे को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? ये साइड इसके इक्वल दी है, यस यहाँ पे एंगल 1 मार्क किया था मैंने, यहाँ पे 2 मार्क किया है, देखो। और ये क्या हो गई बेटा, कॉमन हो गई, हो यस गई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यस सर, कौन से रूल से? एस ए एस रूल से। तो इसकी बी ई साइड किसके इक्वल आ गई? डी ई के। हो गया पार्ट, ये एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, बी इज इक्वल टू डी ई, सी पी सी टी से। अब दूसरा पार्ट, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ग्रेटर देन एंगल सी करना है। बच्चे यहां देखो, इस ए बी डी ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी यस गिवन, सर। आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। बट एंगल ए डी बी किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के इक्वल है ना। एंगल सी से क्या होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर सी से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? यस सर, बट एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां पे फिल कर दो, देखो ए बी डी ए डी बी की इक्वल है, यहां पे ए बी डी फिल हो जाएगा ग्रेटर एंगल सी, यही प्रूफ करना था। ये देखो इक्वल है ना दोनों एंगल, चैप्टर यस हमारा फिनिश। अब मुझे ये बताओ 6 o'clock कौन सा चैप्टर शुरू करना है, जल्दी बोलो। लॉगरिथम नहीं लॉगरिदम नहीं, लॉगरिदम के बिना कोई और बताओ। कौन सा चैप्टर, पाइथागोरस आना है ना तेरे को, सर, पाइथागोरस शुरू कर लें, बोलो अनिका। सर मेरे को नहीं आता, मतलब आ रहा है एग्जाम में सर, हाँ अर्पण तेरे को आ रहा है? एग्जाम सब अभी नहीं होंगे। नहीं एग्जाम तो सितंबर में ही होंगे। चलो लॉगरिथम को छोड़ के अनिका, और कौन सा चैप्टर जो तूने नहीं किया अभी, जल्दी बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रही, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दें। अर्पण यस इजी है, कोई टफ नहीं है ज्यादा, ठीक सर, है? बहुत इजी से हो जाएगी। बच्चों को सबसे ज्यादा डर ट्रिग्नोमेट्री से लगता है, बट मैं कहता हूं जब आपने मेरे से कर लिया तो आपको ये लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है ही नहीं। यस सर, चलो 6 o'clock हम शुरू करते हैं फिर, वो 6 o'clock आ जाना। अर्पण यस अनिका, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।